देखो तुम लोग जाह्नवी कपूर को मतलब कितना भी ट्रोल कर लो उसके मतलब नेपोटिज्म के मामले में, एक्टिंग के मामले में, लेकिन बंदी में दम है यार। मतलब उसकी हर एक मूवी के साथ उसकी एक्टिंग एक लेवल ऊपर जाती हुई नजर आती है, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है। अभी थोड़े दिनों पहले मिस्टर एंड मिसेज माही आया था, उसमें भी उसने मतलब अच्छा काम किया था। और अभी जस्ट थिएटर से मैं उलझ मूवी देख के आ रहा हूँ भाई, उनकी एक्टिंग लिटरली मतलब करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस तुम बोल सकते हो, मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग थी। हाँ मतलब फर्स्ट हाफ में थोड़ी एक्टिंग नॉर्मल सी वैसी लग रही थी, लेकिन सेकंड हाफ में और क्लाइमेक्स में मतलब कमाल की एक्टिंग थी। तो बात करेंगे उलझ मूवी के बारे में, कैसी है मूवी। तो के मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हो हिट बॉय पिक्चर, लेट्स रोल। पहले बात करें उलझ मूवी की स्टोरी की, तो भाई स्टोरी में लिटरली मतलब घंटा कुछ मजा नहीं आया मेरे को, मतलब दम ही नहीं है स्टोरी में। मतलब जिस तरह प्रेजेंट किया है उसको मजा ही नहीं आया। देखो ये एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है, लेकिन जो उसके अंदर थ्रिल होना चाहिए वो फील नहीं होता। हाँ मतलब थोड़ी मिस्ट्री और सस्पेंस बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें कहीं कहीं मजा आता है, लेकिन कहीं कहीं तो बिल्कुल मजा नहीं आता। मतलब जो मिस्ट्री और सस्पेंस जो रख बनाने की कोशिश की है, जहाँ वो सस्पेंस और मिस्ट्री रिवील होती है, जो उसके राज खुलते हैं, वहां पे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बात करूँ सिंपल सी स्टोरी में क्या है, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली स्टोरी है। आई नो मतलब ये बहुत ही अभी बोरिंग फील करता है, बहुत ही हो गया। एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है, लेकिन जो थ्रिल होना चाहिए वैसा है नहीं, और वो ही मतलब थोड़ी मिस्ट्री और सस्पेंस जो बनाने की कोशिश की है वो कहीं कहीं फील होता है, कहीं कहीं मजा आता है, लेकिन कहीं कहीं तो लगता है मतलब क्या ही है। समझ रहे हो ना मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं। मतलब स्टोरी इतनी भी बेकार नहीं है, मतलब फील होता है, मजा आता है कहीं कहीं भी, लेकिन थिएटर में जाके ऐसी मूवीज देखना भाई मैं नहीं बोलूंगा। अगर नेटफ्लिक्स में आती, एमेजोन प्राइम में आती तो हाँ मैं बोल सकता हूँ अच्छी थी, लेकिन थिएटर के लिए नहीं भाई। देखो मूवी 2 घंटे से भी ज्यादा की है, लेकिन लिटरली जो उसका फर्स्ट हाफ था इतना स्लो था भाई, वो फील होता है कि भाई इतना लंबा क्यों लिटरली। लेकिन सेकेंड हाफ में ज्यादा मजा आया, जो क्लाइमेक्स था उसमें भी मजा आया। और बात करूँ जाह्नवी कपूर की एक्टिंग की, तो लिटरली उनकी एक्टिंग अच्छी थी। फर्स्ट हाफ में लग रहा था मतलब हाँ वही नॉर्मल थी उनकी एक्टिंग, लेकिन भाई सेकेंड हाफ में मजा आया, उनकी एक्टिंग अच्छी थी। मतलब पहले से तो अच्छे बोलूंगा, अभी बहुत जन बोलेंगे मुझे भाई तेरे को क्या ही अच्छा लगा एक्टिंग में, नहीं मुझे कोई पैसे नहीं मिले तो नहीं। मतलब यार मजाक से हटके लेकिन जेन्युइनली बता रहा हूँ अच्छी है, तुम जाके कंपेयर कर लेना उसकी पुरानी मूवीज और ये वाली मूवीज से, मतलब लिटरली मतलब बहुत ही इम्प्रूवमेंट है उनकी एक्टिंग में। जाह्नवी कपूर के अलावा गुलशन देवैया भी देखने मिलते हैं नेगेटिव रोल में, लेकिन जब उनका जब सीन आता है लिटरली उनके सीन में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि जो मिस्ट्री और सस्पेंस है उनके सीन में ज्यादा अच्छा वर्क करती है। मतलब वो बंदा क्या करना चाहता है, कौन है, उसकी एक मतलब सस्पेंस मिस्ट्री दिमाग में रहती है, वहां पे फील होती है उनके ही सीन में सिर्फ, कि ये कौन है क्या करना चाहता है वो फील होता है, जो मिस्ट्री और सस्पेंस है बस उनके टाइम पे ही फील होता है। देखो थोड़ी स्टोरी की बात करूँ तो जाह्नवी कपूर को मतलब एक पोस्ट मिली है उनके फादर के थ्रू, मतलब उनकी पहचान है अच्छी सी, तभी जाके उनको एक काम मिला है, वो भी बहुत ही कम उम्र में। मतलब ऐसी पोस्ट मतलब बहुत ही कम उम्र में उनको मिली है, मतलब किसी और को नहीं मिलती है, और वो भी कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनको जो पोस्ट मिली है वो उनके लिए मतलब इलिजिबल है, वो कर सकती है, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है। और बीच बीच में कभी लगता है कि उनको मतलब ये क्या ही कर रही है, उनके लिए ये पोस्ट नहीं बनी है, मतलब किस तरह उनको फंसाया जा रहा है कि वो गद्दार है, पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, वही हमें इसके अंदर देखने मिलेगा। और मतलब उनको किस तरह फंसाया जा रहा है वही बस एक मिस्ट्री और सस्पेंस इसके अंदर देखने मिलेगा। ओवरऑल इतना ही कहना चाहूंगा, जाह्नवी कपूर की एक्टिंग बस अच्छी लगी, गुलशन देवैया का भी काम अच्छा लगा उसके अंदर, और जो सस्पेंस और मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की वो बस अच्छा नहीं लगा। स्टोरी भी मतलब अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है। ओवरऑल बस इतना ही बोलूंगा कि थिएटर में तो नहीं देखना चाहिए, और मतलब जो इतनी जो एक्चुअल बात है, इतना लंबा खींचने की कोशिश की गई है, मतलब 2 घंटे की ऊपर से भी ज्यादा मूवी बनाई गई है, जो एक्चुअल बात है उसको मतलब आधे घंटे में भी मतलब निपटा सकते थे, मतलब शॉर्ट फिल्म बन सकती है यार। मतलब इतनी सी बात है उसको इतना लंबा बनाने की कोशिश की, खींचने की कोशिश की 2 घंटे के मूवी में, जो मतलब मजा नहीं आया। मतलब उसमें एक शॉर्ट फिल्म बन सकती जो आधे घंटे में खत्म हो सकती थी। और अगर तुमने ये मूवी देखी है तो मुझे कमेंट में बताओ तुम्हें जाह्नवी कपूर की एक्टिंग अच्छी लगी या नहीं। ओवरऑल गाली देना है तो दे दो, क्या ही बोलूँ अभी। बस आज के लिए इतना ही, और प्लीज वीडियो को लाइक करो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज लाइक करके जाओ और सब्सक्राइब भी करो। नेक्स्ट मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।